मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस की लाख समझाइश के बावजूद डीजे संचालक लापरवाही बरतते रहे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दशहरे के दौरान चापा पुलिस ने सिवनी में अधिक आवाज में डीजे बजाने पर दो डीजों को जब्त किया। वहीं डीजे संचालक नगरदा के राजेश साहू और खोकरा के जगजीवन सूर्यवंशी के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए डीजे संचालकों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ से दीपक यादव की रिपोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार डीजे संचालकों द्वारा मानक ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी परिपेक्ष में कल दिनांक को थाना क्षेत्र अंतर्गत चेक किया गया, जिसमें दो डीजे संचालकों के द्वारा कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन किया जाना पाए जाने पर उक्त डीजे को जब्त कर कोलाहल अधिनियम के धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। लगातार उन्हें इस बात का निर्देश दिया गया है, उनकी मीटिंग लेकर डीजे संचालकों की मीटिंग लेकर के निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाना है एवं किसी भी साउंड या किसी ध्वनि प्रसारक यंत्र के उपयोग की जो ध्वनि सीमा है 80 डेसिबल मीटर, उसका उस सीमा के अंतर्गत ही उसका संचालन करना है। न करना पाए जाने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में समझाइश भी दी गई है लोगों को। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।